नमस्ते, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम माया है, आप लोग कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ जापान में आत्महत्या। आजकल जापान में मियुरा हरुमा नामक बहुत बड़ा प्रचलित अख्तर अभिनेता ने आत्महत्या कर दी। और उससे पहले हनासान नामक एक लड़की जो नेटफ्लिक्स और टीवी सीरीज में आती थी, उन्होंने भी आत्महत्या कर दी। और मुझे पता है कि इंडिया में आजकल सुशांत जी ने आत्महत्या कर दी। तो हाँ, ये सिर्फ आजकल की बात नहीं है, लेकिन आजकल बहुत बड़े प्रचलित लोगों ने आत्महत्या कर दी। तो इसलिए मुझे लगा चलो अब मैं जापान की आत्महत्या के बारे में आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है? दरअसल जापान में आत्महत्या बहुत ही बड़ी समस्या है। मेरे लिए भी आत्महत्या एक नज़दीक चीज़ थी। जब मैं कॉलेज में थी तब मेरी एक सहेली हमेशा आत्महत्या करने की कोशिश करती थी। सच में कोशिश नहीं करती थी, लेकिन लिस्ट कट हमेशा करके वो यहाँ पे पूरी स्कार्स होती थी और लिस्ट कट करके लोगों को बताती थी कि मैं तो मरने वाली हूँ, आत्महत्या करने वाली हूँ। तो मैं 2 साल के लिए हमेशा उसको रोक रही थी। तो बहुत ही नज़दीक समस्या थी मेरे लिए, इसलिए मैं सच में बदलना चाहती हूँ। जापान से आत्महत्या ख़त्म करना चाहती हूँ, कम से कम कम करना चाहती हूँ। और कोई भी समस्या को सुधारने के लिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन, खबर को फैलाना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है और उसके बारे में बातचीत करना है। तो आज मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर रही हूँ। मैंने सुना है इंडिया में भी आत्महत्या एक बड़ी समस्या है। तो उम्मीद करती हूँ इसी वीडियो के साथ आप लोग और हम लोग, दुनिया के सब लोग आत्महत्या, इसी समस्या के बारे में सोचने लगे, सॉल्यूशन निकालने लगे, सुधारने लगे, ठीक है? तो शुरू करें। Suicide rank by country 2018, 183 देशों में से जापान 14 स्थान पर है, यानी बहुत लोग सुइसाइड कर रहे हैं, ये प्रतिशत है। और इंडिया 21 स्थान पर है। तो इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि जापान और इंडिया में फिर एक कॉमन चीज़ है, बुरी चीज़ है। तो जापान के अंदर में ये खराब हो रही है या मतलब सुधार रही है? तो ये देखो, 2004 के आसपास में जापान में आत्महत्या प्रतिशत ज़्यादा थी, के बाद धीरे धीरे कम होती जा रही है और मेल लड़के लोग लड़कियों से ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। दरअसल ये दुनिया भर ऐसा होता है, लड़के लोग लड़कियों से ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। ये शायद इसलिए है कि लड़कों को पैसा कमाना है, घर की जिम्मेदार है, इसलिए थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होती है। इसके बाद कितने साल के लोग ज़्यादा आत्महत्या करते हैं तो ये देखेंगे तो पता चलता है बूढ़े लोग 50 to 59 साल के लोग ज़्यादा सुसाइड करते हैं। हाँ, जापान में बूढ़े लोग ज़्यादा है, लेकिन ये संख्या नहीं, प्रतिशत है, ठीक है? तो 20 साल के ज़्यादा उम्र के लोग, मतलब आत्महत्या की संख्या कम होती जा रही है, ये देख सकते हैं। हाँ, लेकिन जवान लोग फ्रॉम 0 to 19, इसकी प्रतिशत बदलती नहीं है। और दरअसल बाकी देशों के तुलने में जापान में जवान लोगों की आत्महत्या ज़्यादा होती है। तो अब कारण क्या है आत्महत्या करने का? सबसे ज़्यादा है जापान में इलनेस, यानी बीमार हो गए, कैंसर हो गए और शायद आगे जाके 2-3 साल ही जिंदगी है। तो हाँ, ऐसे लोग सोचने लगेंगे कि चलो अभी आत्महत्या करके इसी परेशान को ख़त्म करेंगे। तो ये एक तरह से मैं समझ सकती हूँ। और उसके बाद आता है इकोनॉमी स्लैश लाइफ, यानी पैसे नहीं है। हाँ, तो ये एक्चुअली आजकल बढ़ गए इसकी प्रतिशत। और उसके बाद आता है फैमिली प्रॉब्लम, उसके बाद वर्क अफेयर्स एंड स्कूल। और ये सर्च कर करके मुझे लगा इंडिया में कैसा है, मैं जानना चाहती थी, इसलिए सर्च किया। तो इंडिया में सबसे पहला आता है फैमिली प्रॉब्लम, नेक्स्ट इलनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ड्रग अब्यूज, लव अफेयर्स। मुझे लगा फैमिली प्रॉब्लम बाद में आएगा, क्योंकि जापान और इंडिया के तुलने में जापान में मतलब परिवार के बीच में बहुत बातें कम होती हैं और साथ में नहीं रहते हैं, और इंडिया में
परिवार लोग एक दूसरे की मदद करती हैं और हमेशा बात होती है। तो मेरे लिए ये आश्चर्य हुआ कि इंडिया में इलनेस से ज़्यादा फैमिली प्रॉब्लम पहला आता है, लेकिन ऐसे भी कह सकते हैं बात होती है इसलिए समस्या भी बढ़ जाती है। जापान में परिवारों के बीच में बात कम होती है इसलिए झगड़ा भी कम होती है। और इंडिया में ड्रग अब्यूज़ भी एक कारण है, लेकिन जापान में ड्रग्स लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं इसलिए ये जापान में बहुत ही कम है। लेकिन वर्क जापान में काम कर कर के या ब्लैक कंपनी यानी बहुत ही बुरी कंपनी में काम कर कर के लोग आत्महत्या करते हैं। और इस पे बहुत ही एक रोचक डेटा है, जब कोरोना वायरस शुरू हुआ ना तब लोग सोचते थे कि अरे बहुत लोग जॉब काम खोने वाले हैं और इसकी वजह से लोग ज़्यादा आत्महत्या भी करेंगे, लेकिन उल्टा हो गया। ठीक है, जापान में भी कोरोना वायरस की वजह से कुछ लोगों ने काम खोया है और लोग ज़्यादा घर से काम करने लगे। ठीक है, और इसकी वजह से सुसाइड रेट अप्रैल में 90.8% कम हो गए नॉर्मल सिचुएशन के तुलने में, और मई में भी 90% कम हो गया। लोग घर में काम करने लगे, काम में नहीं जाने लगे और सुसाइड रेट कम हो गया। हाँ, ये इतना सीधा साधा नहीं होगा, उसके संबंधित बहुत ही चीज़ें जुड़ी हुई होगी, लेकिन फिर भी ये एक आइडिया थ्योरी है कि अगर लोग घर से काम करते हैं, कंपनी में नहीं जाते हैं या काम नहीं करते हैं तो सुसाइड रेट कम हो जाएगी। अब वापस जाके इन जनरल बात करेंगे तो इंटरनेट पे ये होता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रैंकिंग होता है, हैप्पीनेस रैंकिंग। इस पे ना जापान कहाँ है, ये रहा जापान 62। हाँ, एवरेज से तो अच्छा है, लेकिन जापान एक विकसित देश है और ज़्यादातर जापानीज लोगों के पास जीने के लिए काफ़ी पैसे हैं, तो इसको लेके सोचेंगे तो ये रैंकिंग बहुत ही ख़राब है। ठीक है, और I'm sorry to inform you, but India is on 144. तो आखिर क्यों है, क्यों खुश नहीं है? इसके कारण भी बहुत होंगे, लेकिन एक रिसर्च मैं आपको बताना चाहूँगी कि जापानीज लोग खुद के बारे में संतुष्ट होते हैं कि नहीं। केवल 7.5% जापानीज लोग इसी सवाल के जवाब यस हैं और 38.3% लोग मे बी यस कहा है और बाकी लोग मे बी नो या नो कहा है। तो बाकी देशों के तुलने में भी आप देख सकते हैं कि जापानीज लोग खुद के बारे में संतुष्ट नहीं हैं। तो इंडिया का डेटा मुझे नहीं मिला इंटरनेट पे, इसलिए ट्विटर पे सर्वे लिया है, आर यू सेटिस्फाइड विद योरसेल्फ, डू यू लाइक योरसेल्फ। तो यस और मे बी यस के लोग जापान से ज़्यादा है, तो शायद इंडियन लोग खुद के बारे में ज़्यादा संतुष्ट होते होंगे। लेकिन ना मैंने ये सवाल थोड़ा गलत से लिखा है, क्योंकि डू यू लाइक योरसेल्फ ये ओरिजिनल सर्वे में नहीं था। हाँ, लेकिन मुझे लगा इंडियन लोग ज़्यादा खुद को पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जापानीज लोग खुद के बारे में पसंद नहीं करते हैं। जापानीज लोगों के पास आत्मविश्वास बहुत ही कम है, खुद के बारे में, अपने बारे में, या मैं तो इतनी सुंदर नहीं हूँ, हैंडसम नहीं हूँ, मैं तो इतना होशियार नहीं हूँ, काम इतना नहीं कर सकता। मुझे लगता है जापानीज लोग ऐसे सोचते हैं और इंडियन लोगों के पास ज़्यादा आत्मविश्वास है। मैंने कई बार इंडियन लोग ऐसे बोलते हुए सुना है कि मैं हैंडसम हूँ या मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है इंडियन लोगों के पास ज़्यादा आत्मविश्वास है, ये अच्छी बात है। अरे अगर खुद के बारे में विश्वास नहीं करता या कॉन्फिडेंस नहीं हो तो कौन विश्वास करेंगे आपको, है ना? चलो, तो डेटा तो ऐसा ही है। अब इस स्थिति को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अरे मेरे पास इतना बेहतरीन तरकीब विचार नहीं है, जापानी सरकार को भी तरकीब नहीं मिल रहा है, मैं तो एक पागल यूट्यूबर हूँ, कैसे इसको सुधारूँ? अरे पागल यूट्यूबर, आत्मविश्वास तो कहाँ गया? मजाक है, मेरे पास काफ़ी आत्मविश्वास है, मैं अपने को बहुत ही पसंद करती हूँ। ऐसे बोलूँ तो ना जापानीज लोग यूजुअली सोचते हैं कि अरे ये लड़की तो नर्सिसिस्ट है, अपने को पसंद करते हैं, घमंड कर रही है। जापानी लोगों के पास आत्मविश्वास कम है क्योंकि जापानी समाज में अपने पर, खुद पर आत्मविश्वास रखना
या अपने को पसंद करना पता नहीं क्यों लेकिन अच्छा नहीं माना जाता है। जापानी समाज ऐसा सोचते हैं कि जापानीज़ लोगों को हमेशा हम्बल होना चाहिए। अगर लोग कहेंगे कि अरे आप तो बहुत ही स्मार्ट हैं तो हमें कहना है नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ये पोलाइट माना जाता है। तो बताना तो ठीक है कुछ भी बताओ, लेकिन सच में अपने को नीचे नहीं सोचना चाहिए और समाज भी बदल के ऐसा सोचना चाहिए कि अपने पर विश्वास करना अच्छी बात है। ऐसे धीरे धीरे ना टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे ऐसा सोचना पड़ेगा मुझे लगता है, ये एक तरकीब है। और सिर्फ समाज बदलने से आत्मविश्वास नहीं बढ़ता है, खुद को मेहनत करना पड़ेगा ज़रूर और चीज़ों को अचीव करना होगा तब बढ़ेगा आत्मविश्वास। तो ये एक तरकीब है, ये जवान लोगों की आत्महत्या को रोकने के लिए शायद फ़ायदा होगा। और दूसरा काम, जापान में तरह तरह की कंपनी है, कुछ कंपनी अच्छी होती है कुछ कंपनी ब्लैक कंपनी होती है, यानी लंबे समय तक काम करवा देते हैं या बड़े लोग जवान लोगों को बहुत ही मतलब हुक्म देकर ज़बरदस्ती ज़्यादा काम करवाते हैं और पावर हरासमेंट सेक्सुअल हरासमेंट बहुत ही चीज़ें होती हैं ब्लैक कंपनी में। तो ब्लैक कंपनी को ख़त्म करना ये भी एक तरकीब है, इसके लिए इतना मुश्किल नहीं है। काम से संबंधित कानून तो है, बस कानून को पालन करवाने के लिए और ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगा जापानी सरकार को। और ना जापान में काम करने के मौके तो हैं, तो काम बदल सकते हैं अगर आपकी कंपनी बहुत ही ख़राब है तो, लेकिन कुछ जापानीज लोग बदलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि काम बदलना अच्छा नहीं है, विशेष रूप से पारंपरिक जापानी कंपनी में ऐसा सोचा जाता है कि एक कंपनी में हमेशा के लिए काम करना अच्छी बात है। तो ये सोचने का तरीका भी बदलना होगा। और अगर ऐसा है कि लोग सोचते हैं एक कंपनी में हमेशा के लिए काम करना अच्छा है, लेकिन एक बात सोचो, बाकी लोगों के विचारों के बारे में ध्यान रखने की क्या ज़रूरत है? मुझे लगता है जापानी लोग और भारतीय लोग दोनों लोग क्या सोचेंगे इस पे ध्यान रखते हैं। अपने खुशी की बात नहीं लोगों के विचार को ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो ये बुरी बात है दोनों देश में। अरे खुद की ज़िंदगी है, खुद के लिए जियो। अगर आपकी माताजी पिताजी या आपके दोस्त अगर आप जो कर रहे हैं उस पे सहमत नहीं हो तो क्या होगा? लोगों को खुद के लिए जीना सीखना होगा। मैं तो खुशकिस्मत लड़की थी, मेरे माता पिताजी हमेशा जो मैं करना चाहती हूँ ना उसको मतलब स्वीकार करते हैं, पता नहीं पसंद करते हैं कि नहीं लेकिन कुछ नहीं बोलते क्योंकि मैं तो कुछ नहीं सुनती। हाँ, और मेरे पिताजी बहुत ही एक तरह से पागल थे। सबसे पहले मेरे पिताजी विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के लिए जो परीक्षा है वो 3 बार फेल हो गए, यानी 3 साल और मतलब हाई स्कूल ग्रेजुएट होने के बाद और 3 साल पढ़ के ही विश्वविद्यालय में प्रवेश किया है, क्योंकि वो क्योटो यूनिवर्सिटी नामक, ये जापान में दूसरा स्थान पर है क्योटो यूनिवर्सिटी, वहाँ पे पक्का जाना चाहते थे तो इसके लिए 3 साल लगा है। तो वो लोगों से कुछ अलग चीज़ करने के लिए कोई संकोच नहीं था। और उसके बाद भी विश्वविद्यालय में कुछ प्रोटेस्ट विरोध कर करके पुलिस ने उसको पकड़ा है, ठीक है। तो मेरे पिताजी ऑलरेडी गुजर गए हैं, अब नहीं हैं, लेकिन बहुत ही होशियार थे और बहुत ही पागल थे। तो बचपन से मेरे माता पिताजी लोग क्या बोलेंगे ऐसा ना कभी नहीं बोलते थे, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, नहीं तो मैं तो यूट्यूबर नहीं बन सकती। अगर समाज के सब लोग सोचेंगे कि हर इंसान सब लोग अलग अलग होते हैं या कोई भी कॉमन सेंस या स्टैंडर्ड नहीं है कि क्या करना चाहिए मनुष्य को, ऐसा नहीं हो तो शायद लोग अपने दिल की बात सुनकर दिल के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, और अगर ऐसा है तो शायद खुशी से जी सकते हैं मुझे लगता है। तो हाँ, समाज के सोचने का तरीका बदलना और काम का वातावरण माहौल बदलना, ये दो चीज़ मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगता है आत्महत्या को ख़त्म करने के लिए। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में लिखिए। आखिर मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको कोई भी चीज़ पे परेशानी हो या आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं तो बस करो, ठीक है।
जो आप देख रहे हैं वो दुनिया में बहुत ही छोटा सा भाग है। अगर आप इसको छोड़ के कहीं और चीज़ देखेंगे तो मेरी पूरी यकीन है कि आपको मिलेगा खुशी से जीने की जगह है। ये बस फिज़िकल लोकेशन की बात नहीं कर रही हूँ, शायद सोचने का तरीका हो या दोस्त हो या कोई भी चीज़ अगर आप बदल देंगे तो शायद अलग दुनिया दिखने लगेगी। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ एक ही है जो आप जी रहे हैं और इसी ज़िंदगी पे परेशानी है, तो इंटरनेट पे अलग दुनिया के बारे में सर्च करो। दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत लोग अलग अलग से जीते हैं और पैसे कमाने के लिए भी अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ ना कुछ करके परिस्थिति को बदलने की कोशिश करो। पहले आत्मविश्वास की बात की है, लेकिन आत्मविश्वास घर पे बैठकर YouTube देखकर आत्मविश्वास नहीं मिलती है, ठीक है। पहले कोशिश करना पड़ता है और सफलता को लेना नहीं पकड़ना पड़ता है, ठीक है। तो कोशिश करके आत्मविश्वास भी लेके और परिस्थिति को बदलना ये भी एक तरकीब है। या अगर आप मानसिक बीमारी हो तो कृपया करके अस्पताल में जाइए। मुझे पता है इंडिया में मानसिक बीमारी की वजह से अस्पताल में जाना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। मानसिक बीमारी एक कमज़ोरी नहीं है, बीमारी है। बस बहुत ही बता दिया, समझ गए मेरी बात। जापान की बात कर रही थी लेकिन आखिर पता नहीं मोटिवेशन वीडियो बन गया। चलो हाँ, तो जापान में काफ़ी परिस्थिति खराब है, तो इसको बदलने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगी। अगर आप भी कोई भी चीज़ पे परेशान हो तो कमेंट में बताइए। पता नहीं मैं आपकी मदद कर सकूँगी नहीं, लेकिन कोशिश करूँगी कमेंट पे। चलो तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, मतलब बाय बाय।